नरसिंह के पद नाम परिवर्तन सहित 11 सूत्री लंबित मांग पत्र को लेकर आज पूरे राज्य में नर्सिंग कर्मियों ने काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया। राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष प्रेम पटेल ने बताया कि 12 मई अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस से पूर्व यदि सरकार ने नर्सेज का पद नाम परिवर्तित नहीं किया तो 10 और 11 मई को काली पट्टी बांधकर तथा 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस को पद नाम परिवर्तित करने की घोषणा नहीं की तो अपनी ड्यूटी के अलावा 1 घंटा और अधिक राजकार्य करेंगे तथा अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस को आक्रोश दिवस के रूप में मनाएंगे। राजस्थान के नर्सेज पिछले 2 वर्षों से अपने पद नाम परिवर्तन के लिए संघर्षरत हैं। विगत कई वर्षों से हम राज्य सरकार से डिमांड कर रहे हैं पद नाम परिवर्तन की, कि हमें केंद्र के समान पद नाम दिया जाए नर्सिंग ऑफिसर का, और लेकिन सरकार इस बारे में कोई विचार नहीं कर रही है। हमने कई बार आंदोलन कर चुके हैं इस बात को लेकर के, चूँकि अब कोरोना चल रहा है, हम आंदोलन करने की स्थिति में नहीं है, इसलिए हम गांधीवादी तरीके से काली पट्टी बांध करके 10 और 11 को विरोध जताएंगे और 12 तारीख को नर्सेज दिवस, जो हमारा बड़ा सम्मानजनक दिवस होता है, उस दिन हम एक काली पट्टी बांध के 1 घंटा अतिरिक्त कार्य करेंगे और उम्मीद करते हैं सरकार से कि शायद हमारी इन भावनाओं को समझते हुए और हमारी सेवा को समझते हुए सरकार हमारे प्रति सकारात्मक सोच रखते हुए हमारी मांगों को अवश्य पूरा करेगी। जबकि अनेकों प्रदेशों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में नर्सेज कर्मचारियों का पद नाम परिवर्तित कर दिया गया है। इस पद नाम परिवर्तित करने से राज्य सरकार पर कोई वित्तीय भार भी पड़ने वाला नहीं। राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन की 8 अप्रैल को प्रदेश कार्यकारिणी की मीटिंग में जो निर्णय हुआ उसके अनुसार समस्त राजस्थान में 10 और 11 मई को नर्सेज काली पट्टी बांध करके विरोध प्रदर्शन करते हुए अपनी ड्यूटी करेंगे। हमारा 11 सूत्री मांग पत्र लंबित है तथा हमारा नर्सेज का पदनाम परिवर्तन की पिछले 2 वर्षों से हम लगातार मांग करते आ रहे हैं, जिसमें राज्य सरकार का कोई वित्तीय भार भी उस पर नहीं पड़ेगा। और हमसे जो छोटी कैटेगरी के कर्मचारी हैं, जैसे ग्राम सेवक थे उनको ग्राम विकास अधिकारी, और अन्य प्रांतों में नर्सिंग कर्मचारियों को नर्स ग्रेड 2 को नर्सिंग ऑफिसर और नर्स ग्रेड प्रथम को सीनियर नर्सिंग ऑफिसर तथा नर्स ग्रेड प्रथम और नर्सिंग ट्यूटर को राजपत्रित अधिकारी का दर्जा दिया हुआ है। अनेकों केंद्र शासित प्रदेशों में हमें पदनाम का तोहफा दिया जा चुका है। हम पिछले 2 वर्ष से राजस्थान के माननीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी से, हमारे लोकप्रिय स्वास्थ्य मंत्री श्री रघु शर्मा जी से मांग कर रहे हैं कि हम स्वास्थ्यकर्मी पूरे राजस्थान में चिकित्सा सेवाओं में अग्रणी रहते हुए कोरोना के इस काल में बिना अवकाश लिए निरंतर हम पब्लिक की सेवा कर रहे हैं, इसलिए हमारे कोई वित्तीय भार भी राज्य सरकार पर इससे नहीं पड़ रहा है। हमारा अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस 12 मई को प्रतिवर्ष आता है, तो हमारा ये निर्णय है, मीटिंग में ये निर्णय हुआ है कि 10 और 11 तारीख को हम काली पट्टी बांध करके विरोध प्रदर्शन करेंगे। यदि उसके बावजूद भी 12 मई अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस से पहले हमें पदनाम का तोहफा नहीं दिया गया तो हम 1 घंटा अधिक कार्य करेंगे 12 मई को, और उसके बावजूद भी अगर राज्य सरकार ये नर्सेज दिवस पर हमें पदनाम दिए जाने का अगर वो तोहफा नहीं देती है तो हम उसका राज्य स्तर पर विरोध करेंगे, रैली वगैरह का आयोजन करेंगे। अभी कोरोना काल की वजह से हम प्रोटोकॉल के तहत अपनी अपनी संस्थाओं में निरंतर बिना अवकाश के ड्यूटी दे रहे हैं।